वेलकम प्यारे बच्चों, एडवला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 57, साइंस क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। ग्रेविटेशन के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में भी आई हैं, जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, स्मॉल जी के बारे में पढ़ा है, और आज उसी से रिलेटेड आगे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहता है तो उसका मोशन, इसके बारे में बात होगी। उसी को कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कैसे मोशन करती है। अच्छा, आप क्या गैस कर सकते हैं इस बात को कि इफ आई ड्रॉप अ बॉल ऑफ आयरन एंड अनदर बॉल ऑफ प्लास्टिक, एक लोहे की बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है, सेम साइज की है, और वैक्यूम यानी जहां पे एयर नहीं है, सेम हाइट से दोनों को एक साथ गिरे, तो कौन सा पहले गिरेगा ग्राउंड पे, कौन सा पहले पहुंचेगा ग्राउंड पे। ध्यान रहे, एयर नहीं है, वैक्यूम की बात हो रही है, नो एयर। तो हम सोचेंगे कि भाई जो प्लास्टिक बॉल का मास कम है और आयरन का मास ज़्यादा है, तो इसकी वजह से प्लास्टिक बॉल जो विल रीच द बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी। क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं क्या ये सच है। देखिए, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और किस फोर्स के कारण करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोड्यूस। और जो फोर्स है उसकी वजह से ही एक्सेलेशन जो ग्रेविटी के कारण होता है वो प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, और वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इन वैक्यूम वैक्यूम में केवल ये लोहे और प्लास्टिक की बॉल ही नहीं, बल्कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, विद सेम रेट रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। अगर वैक्यूम है मतलब कोई एयर नहीं है, और ऊपर से नीचे आप चाहे कागज फेंकें और उसके साथ बॉल फेंकें या कोई लोहा फेंकें, दोनों बराबर ही नीचे पहुंचेंगे। अब आप सोचेंगे, मैम क्या बता रही हैं, एक कागज और एक बॉल में तो बॉल पहले आएगी नीचे, या एक स्टोन है, स्टोन पहले नीचे आएगा, एक फेदर है, पंख है, वो पहले नीचे नहीं आएगा। बेटा, फेदर पहले नीचे इसलिए नहीं आता क्योंकि हवा होती है, एयर होता है, मैं बार बार अभी यही बात बता रही हूँ। वैक्यूम में, वेयर देर इज नो एयर, वैक्यूम का मतलब होता है कि कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो दोनों चीजें बराबर ही गिरेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसी स्पीड से खींचता है, एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, मास का कोई मैटर नहीं करता। अब आई समझ में कि क्यों पंख धीरे धीरे गिरता है? क्योंकि एयर है ना जी। नॉर्मल कंडीशन क्या है हमारी? नॉर्मल कंडीशन तो यही है ना कि इफ वी परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी को, मान लीजिए पंख है, एक स्टोन है, हम एक साथ गिर रहे हैं, ठीक है, तो पंख जो है धीरे 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 नीचे आता है, जबकि स्टोन बड़ा जल्दी नीचे आ जाता है जमीन पे, ग्राउंड पे। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर है जो रोकती है उस पंख को, रजिस्ट करती है हल्की चीजों को, ठीक है। रजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू फेदर, पंख पे, ज्यादा होता है बजाय कि स्टोन के। स्टोन पर रेजिस्टेंस कम होता है एयर का, इसलिए स्टोन जल्दी से नीचे आ जाता है और पंख धीरे धीरे नीचे आती है जमीन पे, है ना। आई क्लियर बात समझ में? यानी कि अगर एयर को हम हटा दें, कट कर दें, तो दोनों चीज इकट्ठी गिरेंगी, है ना, अमेजिंग बात ये। बट इफ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, यही मैं कह तो रही हूं कि अगर वैक्यूम में यानी कि कोई एयर नहीं है और यही एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं, तो ऑल ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, सभी ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सेम रेट से ही ग्राउंड पे सेम टाइम पे गिरेंगी यानी पहुंचेंगी, ठीक है। नियर द अर्थ सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी देखिए अर्थ के सरफेस पे आ जाए तो हमने पहले ही बताया था कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस, रेडियस के बराबर ले लेते हैं अर्थ के, और अर्थ का रेडियस बहुत लार्ज होता है। सो वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर कॉन्स्टेंट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो उसको ही वैल्यू ऑफ जी को कॉन्स्टेंट ले लिया था, जो 9.8 हमने पढ़ा था। देयरफॉर इन
ऑल थ्री इक्वेशन, अगर जो तीनों इक्वेशन हम इससे पहले वर्कशीट्स पहले आई थी उनमें हम पढ़ चुके हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो बच्चे नए आ रहे हैं वो उनको जरूर देखें। अगर आपको हमारी इस वर्कशीट में मजा आ रहा है तो उनमें भी मजा आएगा, समझ में आएगा, है ना बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ना कि जी जो है कॉन्स्टेंट होता है नियर द सर्फेस ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैन बी रिक्वेस्ट, यानी एक कोई जगह हम जी को लिख सकते हैं। मीन्स वी इक्वल टू यू प्लस ए टी था, याद आया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, जी लिख दिया, यानी वी इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। तो यानी हर जगह आप एक जगह जी कर दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, याद आया आपको, तो यहाँ हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ टू ए एस था यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो टू ए ए की जगह हो गया जी। ओके बच्चों, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वी आर चेंजिंग एक्सेलरेशन विद ग्रेविटी जी। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, देखिए कभी अपने पत्थर ऊपर फेंका है, कोई चीज ऊपर फेंकी होगी भाई, बहुत बार फेंका होगा, बॉल फेंका होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसकी वजह ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, हम ऊपर फेंक रहे हैं जबकि फोर्स कहाँ है, नीचे है, ठीक है, और वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना ऑब्जेक्ट। तो व्हेन अ स्टोन फॉल्स डाउन, देखिए स्टोन अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो जी नेगेटिव होगा, स्टोन अगर नीचे आ रहा होगा तो जी पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ही आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चेक योर सेल्फ, वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर, ध्यान से सुनना है, पीस ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा और एक आयरन नेल ले लिया हमने, सेम हाइट से गिर रहे हैं और सेम टाइम पे गिरना शुरू करते हैं, लेकिन इन वैक्यूम, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा? सिंपल आंसर, बोथ विल फॉल एट द सेम टाइम, है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे आंसर वन में कि बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, इज इट क्लियर? क्यों बताइए? क्योंकि वैक्यूम है ना, कोई एयर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो दोनों सब कोई भी चीज हो सब बराबर टाइम पे गिरेंगी। क्वेश्चन नंबर दो, वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन माइनस जी, माइनस जी कब लेते, क्यों लेते हैं? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ऊपर डायरेक्शन में, तो अभी तो हमने बताया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो कि जब भी स्टोन को अपर डायरेक्शन में हम डालेंगे फेंकेंगे तो जी को नेगेटिव लेते हैं बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट है तो इसीलिए इसको नेगेटिव लिया जाता है। नाउ वाई ऑब्जेक्ट रीच ग्राउंड एट फर्स्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ, क्या है, वाई ऑब्जेक्ट्स रीच ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट सेम टाइम पे नॉर्मल कंडीशन में। देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमने पंख और पत्थर वाला पढ़ा था ना, तो एक पहले गिर रहा है एक बाद में, बताइए क्यों? क्योंकि क्योंकि रेजिस्टेंस कौन है यहाँ पे, एयर है। तो क्वेश्चन नंबर तीन में यही है, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम जैसे दो ऑब्जेक्ट को गिर रहे हैं पंख और स्टोन को, तो स्टोन पहले आया बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ठीक है, और वो पंख पे ज्यादा रेजिस्टेंस डालता है बजाय कि स्टोन के, तो आप यहां तक ये लिखेंगे। तो ये सिंपल अपने लैंग्वेज में लिखा गया बेटा, आंसर बड़ा नहीं है, आपको बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, राइट थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, रिप्लेस करना है ए को, ए की जगह जी लिखना है, तो हमारे पास ये रहा ना आंसर, ये है ना क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। क्लियर हो गया? तो बताइएगा क्वेश्चन की वैक्यूम में अगर मैं पंख को और स्टोन को एक साथ गिरते हैं, ठीक है, तो कौन पहले गिरेगा? वैक्यूम है, सेम टाइम पे सेम हाइट से गिर रहे हैं, कमेंट का वेट होगा आपके, कमेंट जरूर करना है और वीडियो को अच्छे से देखनी है। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।